नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह पटेल, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आइए आज हम जानते हैं स्मॉल पॉक्स के बारे में। साथियों जो छोटी माता जिसे हिंदी में आप बोलते हैं या फिर चेचक भी बोलते हैं, तो साथियों जो स्मॉल पॉक्स होता है उसको बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको आसानी से मिल जाए और आप उसकी जानकारी पा सकें। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों चेचक का जो यानी कि कारण होता है उसके बारे में बताते हैं, यानी कि स्मॉल पॉक्स के काजेज क्या होते हैं। साथियों जो स्मॉल पॉक्स होता है ये वायरल इन्फेक्शन होता है, यानी कि साथियों कहें तो एक वायरियोला नामक वायरस होता है। वायरियोला नामक वायरस के इन्फेक्शन की वजह से ये बीमारी होती है, यानी कि स्मॉल पॉक्स हो जाती है। साथियों ये होता कैसे है, सीधे साथियों व्यक्ति से व्यक्ति के द्वारा इन्फेक्शन भी मिलता है, यानी एक आदमी को हुआ है चाहे एक बच्चे को हुआ है तो फिर दूसरे बच्चे को उसके पास में आने से उसको छूने से बीमारी हो जाती है। और उसके बाद साथियों अप्रत्यक्ष रूप से भी होता है, जैसे किसी घर में किसी बच्चे को हुआ है चाहे बड़े लोग को हुआ है, वो हवा के माध्यम से उड़ के दूसरे के घर में भी जाके उसको इन्फेक्ट कर देता है। तो ये सब दिक्कतें होती है जो कि स्मॉल पॉक्स के साथियों कारण बनती है। साथियों चलिए अब स्मॉल पॉक्स के लक्षण को जान लेते हैं कि जो इसका लक्षण होता है वो क्या होता है। साथियों जो स्मॉल पॉक्स का लक्षण होता है उसमें जो है कि चेचक आमतौर पर जो साथियों संक्रमित जो होता है कि 12 से 14 दिन बाद दिखते हैं, यानी कि 12 से 14 दिन के बाद दिखते हैं, छोटे छोटे दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, उस टाइम फीवर भी आ जाता है। साथियों कुछ समय बाद फ्लू जैसे लक्षणों की अचानक शुरुआत होती है और इसके लक्षण जो है कि आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। साथियों इसमें गंभीर थकान होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा थकान होती है इस कंडीशन में, यानी कि जब स्मॉल पॉक्स होता है तो बहुत ज़्यादा थकावट होती है, गंभीर रूप से पीठ में दर्द होता है साथियों, बैक में यानी गंभीर रूप से पेन होता है यानी दर्द होता है। साथियों उस टाइम उल्टी भी आ जाती है, बुखार रहता है यानी कि उस टाइम फीवर भी ज़्यादा हो जाता है मरीज को, चाहे बच्चे को, जो लोग भी हैं इससे ग्रसित हैं उनको बुखार हो जाता है, बेचैनी रहती है और सिर में दर्द रहता है। तो साथियों ये हो गया स्मॉल पॉक्स के जो कारण हैं, ये हो गए इसके कारण। साथियों इतने कारण मैंने आपको बता दिए कि जो कारण हो गए, उसके बाद ये लक्षण मैंने आपको बता दिए, ये लक्षण हो गए, इससे आप स्मॉल पॉक्स का आप जो है कि लक्षण देख के ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्मॉल पॉक्स ही है। तो साथियों इसके बाद मैं आपसे अब चेचक की जो छुआछूत की बीमारी है उसमें साथियों होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, यानी कि जो होम्योपैथिक दवाएं दी जाती हैं उसके बारे में बताऊंगा। साथियों सबसे पहली दवा है वायरियोलाइनम। साथियों ये देखिए वायरियोलाइनम है साथियों, वायरियोलाइनम को 200 CH में, साथियों ये 200 पोटेंसी में है, 200 पोटेंसी में इसको साथियों जो है कि प्रतिरोधक के तौर पे दी जाती है, यानी कि रोग किसी भी अवस्था में हो इलाज शुरू करने के पहले इसको जरूर देना होता है, यानी कि जो वायरियोलाइनम का ये जो मेडिसिन होती है साथियों इसको दवा शुरू करने से पहले सबसे पहले इसी को देते हैं। साथियों ये हो गया वायरियोलाइनम। उसके बाद मैं आपको बात बता दूं एकोनाइट। साथियों एकोनाइट होता है साथियों तेज बुखार के साथ बेचैनी हो, यानी कि मरीज को तेज बुखार हो उसके साथ साथ बेचैन रहता हो और तो उस टाइम आप एकोनाइट देंगे, यानी कि स्मॉल पॉक्स में एकोनाइट भी यूज होगी। साथियों तीसरी दवा आती है आपको बेलाडोना। साथियों ये देखिए बेलाडोना 30 CH में है, 30 CH में इसको सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम या फिर 4 से 5 बार भी आप यूज कर सकते हैं, यानी कि बुखार ज़्यादा है तो बच्चे को 4 से 5 बार आप रिपीट कर सकते हैं या फिर कहें तो आप 200 CH में भी दे सकते हैं, यानी पोटेंसी बढ़ा के भी दे सकते हैं। साथियों तेज बुखार, सिर में दर्द, रोगी को बेहोशी की अवस्था में हो, शोर सहन न हो, तो उस टाइम आपको उसको बेलाडोना देना है जिससे कि उसको आराम मिल जाएगा। साथियों बेलाडोना के बाद आर्सेनिक एल्बम की बारी आती है। ये देखिए आर्सेनिकम एल्बम है साथियों, आर्सेनिकम एल्बम कहें तो जब दानों का रंग काला हो, यानी कि जब जो दाने दाने निकलते हैं साथियों छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, जब छोटे छोटे दाने निकलते हैं और दानों का रंग काला हो यानी कि शरीर पे काले रंग हो तो उस टाइम आपको ये दवा देना है। साथियों दानों में कभी कभी खून बहता हो उसके साथ साथ बेचैनी और सुस्ती भी हो तो उस टाइम आप इसको देना है, और थोड़ा थोड़ा पानी पीने की इच्छा हो साथियों उस टाइम आपको जो भी पेशेंट होगा
वो आर्सेनिक का पेशेंट यदि होगा तो थोड़ा थोड़ा पानी पिएगा, ज्यादा एक साथ नहीं पिएगा साथियों, थोड़ा थोड़ा पानी लगातार पिएगा, यानी कि एक बार पिएगा फिर रख देगा फिर पिएगा साथियों। उसके बाद बारी आती है एंटीमोनियम क्रूड टार्ट की साथियों, एंटीम टार्ट, ये देखिए एंटीम टार्ट है साथियों, 30 CH में इसको भी यूज करना है, यानी कि 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम को। साथियों जो एंटीम टार्ट होता है इसको आपको बच्चे को तब देना है जब साथियों कहें कि चेचक किसी भी अवस्था में हो, यानी कि इस दवा का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि चेचक शुरुआत हो चाहे लास्ट में हो तो आपको एंटीम टार्ट दिया जा सकता है, जिससे कि बहुत ही अच्छा आराम मिलता है। साथियों यदि पहले ही इसका प्रयोग किया जाए तो रोग की तेजी घट जाती है, यानी कि शुरुआत में ही देना, अगर आपको लक्षण दिखाई शुरू हो जाते हैं, दिखाई देना शुरू हो जाते हैं तो उस टाइम आप साथियों एंटीम टार्ट को देना शुरू कर दें, जिससे कि जितना तेज होना चाहिए स्मॉल पॉक्स को जो उसका उग्र रूप होता है वो उग्र रूप नहीं होने पाता है, यानी कि पहले से ही शट डाउन हो जाती है। साथियों इस दवा में चेचक के दाग दूर करने की क्षमता भी है, यानी कि यदि दाग छोड़ दिया साथियों, यदि स्मॉल पॉक्स हो गया और चमड़ी पे दाग छोड़ दिया, काले काले धब्बे धब्बे हो जाते हैं, तो साथियों उस टाइम आप एंटीम टार्ट दे सकते हैं। साथियों जो एंटीम टार्ट होता है, एंटीम टार्ट दाग धब्बे मिटाने के लिए बहुत ही असरदार साबित होता है, यानी कि यदि आप एंटीम टार्ट को यूज करेंगे तो जो भी दाग धब्बे यानी कि स्मॉल पॉक्स ने छोड़ दिया है वो दाग धब्बे धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं। साथियों उसके बाद आती है दवा थूजा, साथियों ये देखिए थूजा ऑसिडेंटेलिस है साथियों, थूजा ऑसिडेंटेलिस को आपको सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम यूज करना है, यानी कि साथियों इसको 200 CH में लेना है, और जब उस टाइम यदि स्मॉल पॉक्स हो जाता है तो आपको सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम 2-2 बूंद लेना है। साथियों कहते हैं कि जब बहुत जल्दी मवाद भरे, यानी कि जो भी दाने निकले यानी छोटे छोटे जो दाने निकले हैं साथियों उसमें यदि मवाद भर जाते हैं तो उस टाइम आपको थूजा यूज करना है, जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है। लेकिन यदि मवाद में बदबू हो तो साथियों, जब बदबू हो यानी कि मवाद से जब बदबू आती है तो इसमें आपको थूजा जो है कि बहुत ही अच्छा काम करती है, और प्रतिरोधक का काम करती है और उपचारात्मक दोनों का काम करती है, यानी कि प्रतिरोधक का भी काम करती है और उपचार भी करती है साथियों, इसलिए आपको थूजा भी बहुत जरूरी है, यानी सिम्टम के आधार पर आप थूजा भी दे सकते हैं। साथियों उसके बाद आती है दवा आपकी एंटीम टार्ट, साथियों सॉरी एंटीम टार्ट नहीं आरटी, साथियों आरटी कहें तो रस्टाक्स, साथियों रस्टाक्स जो होती है बहुत ही अच्छा काम करती है, ये देखिए रस्टाक्स 30 CH में साथियों, इसको 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम दीजिए, यानी कि यदि बच्चे को चाहे बड़े लोगों को बेचैन रहते हैं, यानी कि उसको सोचते हैं कि टहलते रहें एक जगह उनको आराम ही नहीं मिलता है, कहते हैं कि एक जगह रहने से हमें दिक्कत लगती है, जब वो टहलते फिरते हैं उससे आराम मिलता है, तो आपको साथियों रस्टाक्स यूज करना है, जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है। रस्टाक्स फीवर में भी बहुत अच्छा काम करता है, जो दाग धब्बे छूटते हैं उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। तो साथियों चलते चलते मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको आसानी से मिल जाए। तो साथियों बस इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद साथियों।